एक समय एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी प्राधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तहार लगा दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानदाता चक्रवर्ती की प्राधीनता अस्वीकार हो वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 कशौहिनी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमया, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूम आए, किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी प्राधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी निसवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, कोई भी क्या बात है। तब उसको बताया गया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का, और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है, किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया। तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एकादा, जो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम। हमारे राजा के पास 72 कशौहिनी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी श्यामत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वर्क्स के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्हें बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा, हे राजन ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द एवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानदाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए, स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को, 18-18 करोड़ के चार टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला।
अपुण्यात्मा हो, वो ऋषि था, उसके शर्मंदर था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है। लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है, रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुनर्वास समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है, परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का भी दान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुनों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तड़प तड़प के मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे, वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे, उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उसमें गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा, एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। हाँ गुरुदेव, आपने प्रसन्न किया था, इसको क्या सजा मिलेगी? हाँ गुरुदेव, कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा, श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मन से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो ये अखिल कर्म, ये सारे कर्म ऐसे समझने पड़ेंगे अपने। परमात्मा ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज तुम गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी के साथ 100 मिलावट करते हो, डाके मारते हो, चोरी करते हो, एक एक तिल का हिसाब होगा वहां पर। तुमने उसका पता नहीं, इसलिए तुम विष खा रहे हो।